नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको 21 ऐसी तस्वीरों के बारे में बताएंगे जिनमें कोई ना कोई शगुन या अपशगुन छिपा हुआ है। यदि ये फोटो आपके घर में है या भविष्य में आप लगाना चाहते हैं तो आप इनके बारे में एक बार जरूर जान लें। आपको पता होना चाहिए कि इन फोटो से संबंधित कौन कौन से ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्र के शकुन अपशकुन आपके घर में हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली तस्वीर है राम दरबार की तस्वीर। दोस्तों, यदि आप अपने घर में राम दरबार की तस्वीर लगाते हैं तो राम दरबार की तस्वीर लगाना आपके घर के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्यार और आपसी जो मेल जोल है वो बढ़ता है। श्री कृष्ण जी की एक पैर पर खड़े हुए गाय के साथ बांसुरी बजाती हुई फोटो। इस फोटो को यदि आप अपने घर में लगाते हैं या आपके घर में लगी हुई है तो इससे आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपके घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छी फोटो है और इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। समुद्र के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर। यदि आप अपने घर के ऑफिस में आप अपने ऑफिस में या जो भी आपका बिजनेस प्लेस है, आपकी दुकान है या आपके घर में जो बैठक है वहां पर आप पूर्व दिशा की दीवार में लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है और इससे व्यापार में वृद्धि होती है और घर में जो आय के नए नए साधन हैं वो खुलते हैं। माता यशोदा और कृष्ण जी की तस्वीर। यदि ये फोटो आप अपने घर में लगाते हैं तो इससे माता और पुत्र के बीच में जो प्यार है, स्नेह है, वो बढ़ता है। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो ऐसे घर में भी यशोदा माता की और कान्हा जी की जो फोटो है वो अवश्य लगानी चाहिए। इससे एक स्वस्थ और खुशहाल शिशु का जन्म होता है। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर। यदि आप अपने घर में ड्राइंग रूम में तैरते हुए राजहंस की तस्वीर लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है, बहुत ही अच्छी फोटो है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में महाभारत रखना या महाभारत की फोटो को अपने घर में लगाना। दोस्तों, यदि आपके घर के ड्राइंग रूम में या किसी भी कमरे में महाभारत की फोटो लगी हुई है तो ये अच्छी फोटो नहीं होती है। माना जाता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से घर में भी महाभारत की तरह क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है और परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव और जो क्लेश होता है वो बना रहता है, तो ऐसी फोटो घर में ना लगाएं। खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता। यदि पति और पत्नी का जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, वहां पर खुशबूदार फूलों का एक गुलदस्ता लगाया जाए तो इससे पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। यदि फूलों का गुलदस्ता ना मिले तो कोई अच्छी सी फोटो जिसमें फूल लगे हुए हों, गुलदस्ते की फोटो, वो भी शयन कक्ष में लगाई जा सकती है। बहते हुए झरने की फोटो। घर में बहते हुए झरने की फोटो कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इस तरह की फोटो लगाने से धन की हानि होती है, पैसा पानी की तरह बहता है और मन भी अस्थिर हो जाता है। घर के सभी सदस्यों की हंसती हुई फोटो। दोस्तों, घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी एक हंसती हुई फोटो आप अच्छी सी बनवाकर घर के ड्राइंग रूम में लगाएं। इससे वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर के सभी सदस्यों के बीच में आपसी प्यार बना रहेगा, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बना रहेगा और इस फोटो को आप अपने घर की जो दक्षिण पश्चिम की दीवार है वहां पर आप लगा सकते हैं। तांडव करते हुए भगवान शिव जी की, नटराज की मूर्ति या फोटो। आप अपने घर में किसी भी कमरे में भगवान शिव जी की, नटराज की फोटो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि नटराज की फोटो विनाश का स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि इसमें भगवान शिव जी तांडव करते हैं जो कि विनाश का स्वरूप है। ऐसी फोटो घर में ना लगाएं, ऐसे करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और घर में नकारात्मकता का माहौल बन जाता है। माता सरस्वती की तस्वीर। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में आप माता सरस्वती की तस्वीर अवश्य लगाएं और कमरे का जो उत्तर दिशा की जो दीवार है उस दीवार पर आप लगाएं। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चों के जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। किसी भी युद्ध की तस्वीर। आप अपने घर में किसी भी युद्ध की तस्वीर ना लगाएं। युद्ध की तस्वीर लगाने से घर में एक नेगेटिव एनर्जी का माहौल होता है
और परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा और ग्रह क्लेश होने की संभावना बन जाती है। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। भगवान धन्वंतरी की हाथ में अमृत का कलश लिए हुए तस्वीर आप अपने घर में अवश्य लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से घर के अंदर सकारात्मकता आती है और घर में आय के साधन बढ़ते हैं, घर में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और व्यापार में तरक्की होती है। और यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन भी भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। रोते हुए बच्चे की तस्वीर। आप अपने घर में रोते हुए बच्चे की तस्वीर ना लगाएं, इससे आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ऐसी तस्वीर आप घर में ना लगाएं। राधा कृष्ण की तस्वीर। राधा कृष्ण की तस्वीर को पति और पत्नी का जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, वहां लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में यदि मन मुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वह धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और दोनों के बीच में धीरे धीरे करके प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में तस्वीर। घर में माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में जो तस्वीर होती है वो आप ना लगाएं, जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी हुई है। जो भी फोटो लगाएं उसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए कमल के फूल पर, ऐसी फोटो लगाएं, क्योंकि माना जाता है कि माता लक्ष्मी चंचला है, यदि ये खड़ी रहेंगी तो आपके घर से चली जाएंगी। इसलिए आप इनको अपने घर में बिठाइए, यानी ऐसी फोटो लगाइए जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई हो। इससे लक्ष्मी माता आपके घर में स्थिर रूप से, स्थायी रूप से वास करेंगे। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर को आप अपने घर की रसोई में लगाएं। ऐसा करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। जंगली जानवर की तस्वीर। अपने घर में जंगली जानवर की तस्वीर ना लगाएं। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी आती है और घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और उनमें गुस्से की, क्रोध की भावना पैदा होती है। लव बर्ड्स की तस्वीर, यानी हंसते खेलते हुए पक्षियों की तस्वीर। लव बर्ड्स की तस्वीर नव दंपत्ति के, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनके कमरे में लगानी चाहिए। ऐसा करने से उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही खुशहाल रहता है और अच्छा रहता है। ताजमहल की तस्वीर। दोस्तों, ताजमहल एक मकबरा है, आप जानते ही होंगे। मकबरे की फोटो घर में लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में एक नेगेटिविटी, एक उदासी का माहौल छा जाता है, तो ताजमहल की फोटो या किसी भी मकबरे की फोटो घर में ना लगाएं। डूबते हुए जहाज की फोटो। घर में डूबते हुए जहाज की फोटो बिल्कुल ना लगाएं, यह बहुत ही अपशकुन वाली फोटो होती है। इससे घर में एक नेगेटिविटी का वातावरण पैदा होता है और घर में आर्थिक नुकसान या कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ 21 तस्वीरें बताई थी जो वास्तु के हिसाब से शगुन और अपशगुन को बताती हैं। इन फोटो से हमारे घर में शगुन और अपशगुन पैदा होते हैं, तो इन फोटो को लगाने से पहले आप जरूर विचार कर लें, उसके बाद ही आप इन फोटो को लगाएं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।